आदरणीय आचार्य मिर्जापा जी महाराज, स्वामी नित्यानंद जी, सारा संघ के प्रधान रामदेव जी, स्वामी चित्रदेव जी, अन्य सभी मंचस्थ विद्वान मंडली, धर्मप्रेमी सज्जनों, विद्यार्थियों, माताओं, देखो विचार आपको बार बार दिए जा रहे हैं और इन पर कार्यान्वयन भी हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे आचार्य जी की तपस्या में बैठे हैं जिन्होंने मूल पर काम किया है। जो हम दुखड़ा रो रहे हैं वास्तव में उसको जड़ से सींचा है उन्होंने। जैसे विद्या के बारे में बात कर रहे हैं, वेदों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूज्य आचार्य जी के पास में कोई कमी नहीं थी, अच्छी संपत्ति थी, बिजली विभाग में एसडीओ थे, ऐसी नौकरी को छोड़ा, ऐसे घर को छोड़ा और आकर के व्याकरण को पढ़ा। व्याकरण को पढ़ते पढ़ाते गाय की दुर्दशा जब देखी तो उस पर काम किया। तो ये सारा काम एक आदमी जितना कर सकता है अपने जीवन में, उन्होंने पूरा जितना भरसक प्रयास हो सकता था उन्होंने किया। अपने खाने पीने की उन्होंने परवाह नहीं की, पाठ पढ़ाया करते थे तो पाठ में भी उनकी यही हालत रहती थी, भोजन बाद में, पाठ पहले। हमारा जब पाठ चलता था, मैंने बहुत लंबे समय तक देखा कि हमारा पाठ हमारे कान बंद होता है, आचार्य जी के कान बंद होता है, तो हमें ये पता था कि हमारा पाठ जो बंद होता है हमारे कान बंद होता है, आचार्य जी के कान कभी पाठ बंद नहीं होता। गोसेवादी की बातें, इतनी बड़ी अवस्था में और इतनी मेहनत करना, 70 वर्ष की अवस्था में सिर के ऊपर गठरी उठा करके और हॉल के भीतर तक खींच के ले जाना, ये काम देख करके ये लगता था कि ये हमारे ऊपर आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि एक आदमी जितना कर सकता है उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया और आप लोगों को एक मार्ग दिया, आपको एक सुख के बहुत बड़े अच्छे मार्ग पर वो आपको डाल गए। अब आप चलें, आप ना चलें, आप गाय की सेवा करें, आप ना करें, आप वेदों को पढ़ें ना पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, आप लोग लठ मार के आपके घरों से आपके बच्चों को ला नहीं सकते थे, ऐसे ही आपके घर में गाय को बंधवा नहीं सकते थे, ऐसे ही दान भी जितना आप देते थे कभी दबाव धोखा नहीं, ऐसा नहीं होता था, वो सबकी सामर्थ्य देखते थे, कोई ज्यादा भी दिया करता था तो उसको मना कर देते थे, नहीं भाई तेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है तू कम दे। कम देने वाले को ये कभी नहीं कहा जिसकी सामर्थ्य ज्यादा होती थी, ये कभी नहीं कहते थे कि तेरी सामर्थ्य ज्यादा है तू ज्यादा दे, लेकिन थोड़ी सामर्थ्य जिसकी होती थी ज्यादा देता था उसको जरूर कहते थे ज्यादा ना दे। तो मार्ग तो मिल गया है, मार्ग पर आप चलें आप ना चलें। जब अष्टाध्यायी हमको मिली और जब पढ़ने का मौका मिला गुरुकुल में, तो कभी कच्चा बना आता था, दुनिया बड़े आराम से रोटी मिल रही है, ये भारत है, दो रोटी मिल जाती है, यहां तो शराबियों को सुलफेड़ियों को एक लाल कपड़े पहन के बैठो उनको दो रोटी मिल जाती है, तुझे भी मिल जाएगी, तू क्यों इतनी मेहनत करता है, क्यों पढ़ता है, क्यों गाय की सेवा में लगा रहता है, ये कभी कभी आते थे, क्योंकि पाप और पुण्य ये सब चलते रहते हैं, कभी पाप करता है कि पुण्य करता है आदमी जीवन में, जब जब कभी किए हुए पापों के परोदय होते थे तो ऐसा लगता है छोड़ दे अच्छे काम को। मनु जी लिखते हैं, मनु जी का हवाला देते हुए स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, तो जब कभी किए बहुत पुराने संगम किए हुए पाप के फल आने लगते हैं ना, तो आदमी धर्म से अरुचि करने लगता है, अधर्म की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। हमारे में भी कभी कभी आते थे, परम से काटते थे,
अब मौका पड़ा है, अब नहीं पढ़े तो इतनी बड़ी हानि हो जाएगी। ये चेत वेदी तथा सत्यमस्ती चेतहादी महती मनुष्य, ये मनुष्य का शरीर जन किन किन पुण्यों के कर्मों का फल है। अब हाथ में से एक दिन भी चला गया और ये बात एक अच्छी पन की मन में आ रही है ना, ये घर कर गई ना, फिर कभी नहीं मिलेगा। आगे जन किसका जन्म मिलना है कोई पता नहीं। मौका है, जितना पुण्य किया जाए पढ़ा जाए शरीर से उतना कर लो। शरीर अनित्य है, कोई पता नहीं कब चला जाएगा। नित्यानि शरीराणि तो भूवनि शाश्वतम्, नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। मृत्यु छाया की तरह लगी हुई है, कोई पता नहीं कब चली जाएगी, ये शरीर कहाँ चला जाएगा। कर ले जो कुछ करना है। हम अपने बारे में सोचा करते थे, हम आपको भी यही कह रहे हैं, बहुत बड़ा मौका है। दुर्गुण दुर्व्यसन बुराइयां जितनी भी हैं, जितनी जल्दी छूटियां छोड़ दो, अच्छे मार्ग को अपना लो। अपने शरीर से जितना अच्छा हो सकता हो अच्छा कर लो, अपने धन से जितना अच्छा होता हो धन से अच्छा कर लो, अपने बच्चों को उंगली पकड़ के यहाँ लाया करो, और नहीं तुमको उंगली पकड़ के अनाथालय में छोड़ाएंगे, वहां वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे आपको। ये बहुत बड़े, अपने बड़ों की बात मानो, ये हमारी बातें नहीं है। हमें क्या ये पता था ऐसा होता है, जब घर छोड़ा था हमें भी ये कुछ पता नहीं था क्या होता है, लेकिन आकर के देखा तो वास्तविकता ये है कि बहुत बड़े अच्छे, बिल्कुल जीट रोड बहुत चौड़ा, जिसपे हमें हम सड़क पर दौड़ सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण सकते हैं कर सकते हैं। तो अपने बड़ों के मार्ग पर चलते हुए, अपने बड़ों की बात मानते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, और अपने बच्चों का जरूर ध्यान दें, अच्छी अच्छी संस्थाओं में ले जाया करें, अच्छे अच्छे आदमियों की बात उनको सुनवाया करें। बड़ा हो गया फिर लेके आओगे, फिर हमारा भी वसन नहीं पड़ना। बड़ा हो गया फिर लाओगे कि फिर हमारा भी नहीं। पर इस काम में बहुत आदमी लगे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमने ये देखना चाहा कि हम जैसे कितने आदमी इस काम में लगे हुए हैं, वेदादि सत्य शास्त्रों की रक्षा के लिए पढ़ने पढ़ाने वाले इस धरती के ऊपर कितने हैं। तो इसके लिए अष्टाध्यायी प्रतियोगिता रखी, तब हमारे मन में ऐसा था कि बच्चे थोड़े आएंगे, 100 बच्चे आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, ऐसा सोचते थे, ज्यादा से ज्यादा 100 आ जाएंगे। लेकिन हमने देखने की कोशिश की, अष्टाध्यायी प्रतियोगिता रखी, तो उसमें 350 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कुछ बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, और क्योंकि सभी इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं है या कुछ रजिस्ट्रेशन करना नेट के माध्यम से नहीं जानते, ऐसे बच्चे भी बहुत हैं, तो 350 तो हो गए हैं, आगे भी रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है। 22 तारीख को आचार्य जी की यादगार में, क्योंकि देखो हम जो बैठे बड़ों के कारण है, हम राम के कारण आज जो कुछ है, कृष्ण के कारण है, अपने अपने इतिहास के कारण है, या अपने माँ बाप के कारण है, या अपने गुरुओं के कारण है, तो जिन्होंने हमें इस मार्ग पर डाला है, तो उनकी यादगार में 22 जनवरी को कार्यक्रम है। 400 बच्चों के लगभग एक बच्चे को 5100 रुपए से सम्मानित करने का, क्योंकि जो वेद के मार्ग पर चल रहा है वो उसको पढ़ रहा है, इस मार्ग को आगे विस्तृत कर रहा है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। जिस चीज का सम्मान होता है वो चीज बढ़ जाती है, जिसका अपमान होता है वो चीज घट जाती है। तो वेद के पढ़ने पढ़ाने वाले, व्याकरण के पढ़ने पढ़ाने वालों का सम्मान करने के लिए 22 जनवरी को हमने कार्यक्रम रखा है। और देखो, कार्यक्रम की सफलता जनता पर होती है, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, उसकी सफलता जनता पर होती है। जहाँ जनता होती है वहाँ सब कुछ होता है। आप वहाँ उपस्थित हो गए तो आपके साथ में सब कुछ, वहाँ धन अपने आप आ जाएगा। चाहे हमारे पास अरबों खरबों रुपए रखे रहे, लेकिन जनता ना पहुंचे तो कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। क्या बनेगा रुपए का, क्या कुछ होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 22 जनवरी को, अभी वैसे विचार नहीं चल रहा है इस कार्यक्रम को 22 जनवरी को किया जाए या ना किया जाए, पर हमारा तो ये है कि जैसा भी हो करेंगे कार्यक्रम को। तो उस कार्यक्रम में आप जरूर आए, अच्छे अच्छे विद्वानों के आपको वचन सुनने के लिए मिलेंगे, और कहाँ से किसका वचन आपके हृदय में घर करेगा कि आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका धन्यवाद। ओम नमः।